नमस्कार दोस्तों हमने आज थर्मल प्रिंटर सेटिंग्स से देखेंगे दोस्तों कई सारे थर्मल प्रिंटर से ये वाला है जो है ना न वाला ये वाला और इस तरीके सब सब ये देखिए इसमें कोई ब्रांडिंग वगैरह कुछ है ही नहीं है ना ये एक्चुअली है ना ये सारे एक्स प्रिंटर का ही है ये आप एक्चुअली उन्होंने रीनेम रीब्रांडिंग री है सब कुछ ज ना ये एक्चुअली एक्स प्रिंटर है ये मैंने बहुत पुराना प्रिंटर है ये मेरे ख्याल से मैंने 2015 या yeah, 16 में लिया था ये अभी रिसेंटली ये मॉडल आ रहा है और अरेसोड का जो प्रिंटर आपने देख रहा है वो सब कुछ सेम इसका सब कुछ यानी प्रोडक्शन एक ही जगह से हो रहा है ये ये भी देखिए तो चलिए हमने इसके अंदर कौन सा ये सबका जो ड्राइवर होता है ना जी यानी प्रिंटर ड्राइवर सबका एक ही है V7.77 मैं आपको डाउनलोड लिंक भी देता हूं सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से इसको कनेक्शन वगैरह जो भी करना है इसके पीछे आपको इस तरीके से दो अडाप्टर पॉइंट मिलती है ये तो आपको नॉर्मल टू थर्टी वोल्ट पावर सप्लाई देना है और ये जो है आपका यू है ये आपको सीधा यानी कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना बस इतना ही करना दोस्तों ये इसका मॉडल नंबर भी कुछ डाला हुआ है लोग वी थ्री ट्वेंटी एम ठीक है जी और ये ले लो अगर समझ लीजिए ये वाला वी थ्री ट्वेंटी ठीक है जी सबका मॉडल नंबर एक ही दिखाई दे रहा है वी थ्री ट्वेंटी है ना सब का ड्राइवर एक ही है मैं आपको ड्राइवर दिखा देता हूँ किस अच्छा उसमें और एक चीज़ मैं आपको दिखाना वाला हूँ इसके अंदर पेपर किस तरीके से डालना है ये देखिए कभी कभी इसके अंदर ये वाला स्टिक मिलती है आपको स्टिक अगर मिल गया तो ठीक है और पेपर का पोसीशन हमेशा कैसा होना चाहिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पेपर कभी भी इस तरीके से नहीं डालना है पेपर हमको इससे डालना है यानी आप समझ लीजिए पेपर का जो बॉटम पोर्शन जो है ना देखो इस तरीके से आना चाहिए राइट ये ऐसे गिर जाएँगे आप देखिए अंदर देखिए ये जो ये जो पोर्शन है ना इसमें टच होकर के नीचे से आना है क्लियर आपको अगर स्टिक मिल गया तो स्टिक का थ्रू भी डाल सकता है है ना इस तरीके से स्टिक का थ्रू भी डाल सकता है स्टिक का अंदर से बढ़ के एकदम बढ़िया तरीके से रोलिंग हो जाती है ठीक है और कि, कि, किसी लोग है ना आ, पेपर इस तरीके से डालता है ये गलत है दोस्तों ये काम नहीं करता है ये प्रिंट नहीं होंगे इसमें ठीक है जी मैंने ऑफ कर दिया इसको उठा लीजिए आपने ये पेपर को उल्टा डाल दीजिए ये देखो आप देख लिए ना इस तरीके से पेपर आना चाहिए ये इस तरीके से आपने पेपर डाल दीजिए ये कनेक्शन सेट कर दीजिए और आपको मैंने दिखा देता हूँ आपका ये जो ड्राइवर कौन सा ये मैंने वीडियो का डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में देखिएगा आपको डाउनलोड लिंक भी मिल जाएंगे देखिएगा ये जो ड्राइवर है ये मैं आपको डाउनलोड लिंक में डाल देता हूँ इसको डबल क्लिक करके ओपन करिए दोस्तों आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट डाल दीजिए नेक्स्ट कर दीजिए और डेस्कटॉप शॉर्टकट डालने का कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है और नेक्स्ट कर लीजिए नेक्स्ट इंस्टॉल वेरी सिंपल वे में इंस्टॉल होती है और फिनिश बटन में लगा दीजिएगा एक ये लॉन्च टिक कर दीजिएगा टिक कर यानी मतलब इनेबल रहना चाहिए फिनिश तो आपको इस तरीके से विंडो आती है तो आपने यू एस देखो ये ओ एस कौन सा है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है आप यू एस भी सेलेक्ट करना है एक्सपी ए टी सी सेलेक्ट करना है और डिफॉल्ट सेट करना है ये लाजिम कर देना रीज़न क्या है अगर आपने ए टी सी नहीं बल्कि ए टी सेलेक्ट कर दिया तो आपको ऑटो कट मैके काम नहीं करेंगे प्रिंट आ जाएंगे कटिंग नहीं होगा पेपर टिक तो ए टी सी है ना कटिंग मैकेनिज्म है और डिफॉल्ट कर दिया चेक पोर्ट कर दीजिए चेक पोर्ट करने के टाइम मैंने जैसे चेक पोर्ट में क्लिक करेगा इधर थोड़ा सा हल्का प्रिंट आना चाहिए आप देखिएगा सुना अच्छा प्रिंटर मतलब चालू रखना जरूरी है ये देखो कुछ प्रिंट प्रिंट आउट इस तरीके से आ चुका है चलिए हमने ओके okay कर लेते हैं और एक काम नहीं हुआ आपका कंप्लीट नहीं हुआ है ये आपने यहाँ चला जाइए देखो इंस्टॉल नाउ इंस्टॉल नाउ बटन में क्लिक करिए यू वांट टू प्रिंट टेक्स्ट पेज यस करिए इधर देखो टेक्स्ट पेज भी आ चुका है है ना ये सिंपल वे में आपको इंस्टॉलेसन कर सकता है अगर ये टेस्ट प्रिंट नहीं आ रहा है और इन दैट केस आपने क्या करना है कंट्रोल पैनल में जा करके हार्डवेयर एंड साउंड में जाकर के एंड एंड ये जो में आपको इधर कई सारे डिड्रिंटेस दिखाई देंगे उसमें से आपको ए का जैसा नाम दिखता है ना सारे प्रिंटर कई कई लोग है ना बहुत सारा भरा हुआ है प्रिंटर दस पंद्रह इंस्टॉल कर रखा होंगे तो इनमें से को, कोई कोई प्रिंटर अगर नहीं चाहिए आपको आपको इधर से राइट क्लिक कर सकते है इस तरीके से रिमूव डिवाइस है ना जो जो प्रिंटर जो नहीं चाहिए मैक्सिमम आपने रिमूव करके उसको मौका दे दीजिए क्योंकि इतना सारे पोर्ट नहीं होंगे सिस्टम के अंदर है ना तो आपको मौका आपने मौका दे दीजिए कंप्यूटर को आ, म, उ, कम से कम प्रिंटर आपने इसको अंदर सेट कर सके कर सके यानी दो या तीन समथिंग लाइक दैट ठीक है जी तो अभी फ़िलहाल हमको टेस्ट प्रिंट वगैरह आ गया और एक चीज़ आपने इंश्योर कर लेना दोस्तों कंट्रोल पैनल में जहां मैंने अभी खोला है कंट्रोल पैनल में ही हार्डवेयर एंड साउंड में चला जाइए डिवेस्स एंड प्रिंटेस ये जो प्रिंटर जो है ना इसको आपको एक गलती मैंने करके रखा हुआ है मैं बता रहा हूँ देखिए ये जो प्रिंटर डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है मैंने इधर राइट क्लिक करिए सेट सट्ट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर डिफॉल्ट करेंगे आपको ग्रीन कलर का जो टिक मार्क आती है ये देखिए अगर किसी ओ का एरर अगर है तो जैसा आपने टिक सटा से डिफ़ाल्ट तो करेंगे ना एरर मैसेज जा आ जाएंगे वो एक्चुअली क्या है ना सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जैसे विंडोज़ का उसका एरर का वजह से वो आ रहा है यानी आपको डिफ़ाल्ट सेटिंग नहीं कर पाएंगे बहुत सारे काम करने के बाद वो कर पाएंगे उससे बेटर है आपने एक बार फॉर्मेट कर दिया तो बढ़िया तरीके से इंस्टॉल हो जाएंगे ठीक है नॉर्मली इस तरीके से इश्यू बहुत यानी हसारा में एक पीसी को इस तरीके से आती है चलिए हमने रेनटेक पीओ एस बी सॉफ्टवेयर में जिस तरीके से इसको कनेक्ट करना है ये भी देखेंगे सेटिंग्स के अंदर चला जाइए इधर देखो आपने यानी टर्मिनल सेटिंग्स में जाइए और मैंने अभी तीन प्रिंटर उधर कनेक्ट करके रखा हुआ है तीन क्योंकि ये जो शेयरिंग पीसी के लिए यानी मल्टीपल पीसी शेयरिंग है इसलिए करके मैंने अभी आ, देखो ये वाला जो ब्रेंडर फॉर एग्जांपल सब डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर जितना भी ब्रेंडर है ना इधर आप सबको डिलीट कर दीजिए ये आपके लिए बेस्ट है डिलीट आप शेयरिंग नहीं किया तो शेयरिंग किया तो वो लोग उनका वो भी नहीं काम करेगा वो भी नहीं काम करेंगे अगर शेयरिंग नहीं किया तो सिंगल पीसी में काम कर रहा है तो नॉर्मली जो भी इंस्टॉल्ड ब्रेंडर है ना सबसे ऊपर वाला आती है कॉपी you वन know, बोल करके आप चाहिए तो नाम इधर दोबारा चेक भी कर सकता है कंट्रोल पैनल में जा करके कौन सा अपना लेटेस्ट हार्डवेयर एंड साउंड डिटेस तो में जाइए आप यहाँ से नाम भी देख सकते हैं देखो एक्सपी ए टी सी कॉपी वन अगर ये दोबारा आपने कंफर्म करना है तो आपको राइट क्लिक कर सकता है प्रॉपर्टीज में जा सकता है इधर देखो यानी जनरल पैनल में आपको इधर प्रिंट टेस्ट पॉइंट बोल करके दिखाई देती है देखिए ये देखो ना प्रिंट आ चुका है यानी प्रिंट डस्ट पेज इट इज़ वर्किंग फाइन दर इज़ नो प्रॉब्लम ठीक है जी तो दैट इज द प्रिंटर और हमने रिंट पी एस बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्शन करता हूँ ये वाला देखो इसमें आपको थर्मल सेलेक्ट कर देना सेव कर लीजिए ओके और उसके बाद और एक काम करना दोस्तों सेटिंग्स के अंदर जाके यानी देखो इधर सेल्स इन्वॉइस सेटिंग्स जो भी इन्वॉइस है ना ये जो है आपको डिलीट कर लीजिए सब कुछ और दोबारा हमने सेटिंग कर लेते उसको इसको भी डिलीट कर लीजिए और इसको प्रिंट जो भी हेडर नाम आपने डालना है डाल दीजिए इन वो नो कर दीजिए आपको और दे इनवॉइस डेट शो उसको नो कर लीजिए और देखो इसमें थ्री इंच का प्रिंट टेम्पलेट जो है ना इसको दो तीन प्रिंट टेम्पलेट हमने डाला हुआ है देखते हैं कौन सा बढ़िया है चलिए हमने एक सेल करके देखते हैं आ, आ, बी टू सी ऐड कर, कर, कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं और एंड प्रिंट कर लेते हैं यश कर लेते हैं आपको प्र... प्रिव्यू इधर आ जाती है देखिए आपको प्रिंट करके देखते हैं किस तरीके से करती है देखिए दोस्तों एकदम बढ़िया तरीके से अभी प्रिंट आ चुका है है ना ए, ए, इस तरीके से आती है नहीं आपने सोचा आपने एक चीज नोटिस किया होंगे आपको को, कोई भी सॉफ्टवेयर uh, से जैसे ब्रिंड करती है आपको इस तरीके से क्लैरिटी में नहीं ब्रिंड नहीं आते हैं देखो तो ये इस तरीके से इतना क्लैरिटी में ब्रिंट नहीं आती है तो uh, आप इसका रीजन क्या है ना दोस्तों ये जो रेंडक पी एस बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्रिस्टल रिपोर्टिंग का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया हुआ है इसलिए करके इसमें से जो भी प्रिंट आउट आएगा ना एकदम शार्प शार्प बोलेगा तो एक्सट्रीम शार्प क्वालिटी में आपको प्रिंट आउट मिल जाएंगे वही है दोस्तों रेंडक पी एस बिलिंग सॉफ्टवेयर का जो टेक्नोलॉजी uh, जो बना हुआ है ये हमारा ऑफिस है दोस्तों रेंडक सॉफ्टवेयर लिमिटेड का Uh, यानी uh, अभी जस्ट बिजली चला गया है ना हमारा पूरा बैटरी बैकअप सिस्टम नहीं चला रहा है तो आपका कोई भी डाउट है वगैरह कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए रिलेटेड टू बिलिंग्स ऑफ योर वट एवर इट इज़ आपका रिटेल बिजनेस के लिए डेफिनेटली कॉल कर स, अगर सकता है दोस्तों एट जीरो सेवन एट थ्री डबल वन नाइन फोर फाइव और एट सिक्स जीरो सिक्स जीरो नाइन थ्री वन वन जीरो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू बाय